की पंचायतों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए जिला परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय सक्षम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए खंड स्तर पर तकनीकी संस्थान टीम को सक्षम बनाया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला ग्रामीण विकास अधिकारी भानु गुप्ता ने बताया कि विभिन्न खंड स्तर पर तकनीकी संसाधन टीम के 21 सदस्यों को सक्षम कार्यक्रम के अंतर्गत जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम के विस्तार से जानकारी दी जा रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर और तकनीकी सहायकों को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वह जहां एक ओर पंचायतों की मैपिंग कर सके, वहीं दूसरी ओर वह जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से पंचायतों में होने वाले विकासात्मक कार्यों की DPR भी तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सर्वप्रथम पंचायतों में नदी नाले और पानी के स्रोत कहाँ कहाँ हैं और उन्हें किस तरह एक जगह संग्रह कर उसे सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इसमें मेनली जो फोकस है हमारा वो दो चीज़ों पे रहता है। एक तो जो GIS मैपिंग किस तरह से पंचायतों में होनी है, उसके लिए हमने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट बुलाए हैं, वो पूरा दिन जो है आज इस के बारे में उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। और सेकेंडली जो DPR प्रेपरेशन है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो इसके लिए DPR का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर रहता है। तो गवर्नमेंट का जल्दी ये फोकस रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट बने, जो भी हमारी स्कीम्स बने, उसकी जो DPR है वो प्रॉपर हो। जिला परिषद कार्यालय में 2 दिवसीय सक्षम कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार किया जा रहा है। सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर में तेज हवाओं के साथ ही तेज बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन साथ ही तेज हवाओं के कारण कई संपर्क मार्ग पर पेड़ गिरने की खबर भी मिली है, जिससे मार्ग जो है वो बाधित रहे। हमीरपुर के पास ही पक्का भरो चौक के नजदीक एक वृक्ष के बीच सड़क से गिर जाने पर रात 2 बजे से मार्ग जो है वो बाधित है। पक्का भोर चौक के पास बट वृक्ष गिरने से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और सैकड़ों वाहनों को यातायात में आधी रात से फंसे रहना पड़ा। बीच सड़क पर बिजली की तारें गिरने से दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहा है। ट्रक चालक राजकुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे के बीच सड़क पर तेज हवाओं के चलने से बड़ा पेड़ गिर गया। उन्होंने बताया कि रात के समय से यातायात बाधित रहा है और अभी सुबह होने पर भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे परेशानी और अधिक बढ़ गई है। वो बहुत भारी तूफान हुआ और ये जो बटवृक्ष मेन रोड में गिर गया और यहाँ देखो आप 9 बजे का टाइम है और यहाँ कोई भी किसी भी प्रशासन जो यहाँ नहीं आ पहुँचा, तो रात 2 बजे के लोग यहाँ परेशान है। दोनों तरफ से जाम लगा हुआ है और 8-10 घंटे हो गए यहाँ कोई भी जो यहाँ आदमी प्रशासन का नहीं आया है। गौरतलब है कि धर्मशाला से शिमला राजमार्ग पर आधी रात से बाधित हुए यातायात के कारण हजारों लोगों को आवाजाही में परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से सुबह तक भी पेड़ को बीच सड़क से न हटाए जाने पर लोगों में गहरा रोष है। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कुल्लू में बारिश होने से बागवानों की फसलों को संजीवनी मिली है। कुल्लू में सेब के पेड़ों पर फूल आना शुरू हो गए हैं, वहीं अन्य सब्जियों की पैदावार भी की जा रही है। बागवानों का कहना है कि सेब के रखरखाव के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें फसलों में आवश्यक लाभ जरूर मिलेगा। कुल्लू के बागवान ने बताया कि सेब के पेड़ों में फूल आना शुरू हो गए हैं और अब सेब को सुरक्षित रखने के लिए किसान लोग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेब को सुरक्षित रखने के लिए स्प्रे की जाती है ताकि सेब खराब ना हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि अन्य फसलों की भी पैदावार की जा रही है, जिसमें नाशपाती, पलम, अनार, खुमानी, खीरा व सभी प्रकार की अन्य फसलें लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार किसानों की अच्छी फसल होगी। सेब के फूल तो ओलावृष्टि से तो नहीं बच सकते, सिर्फ जाली लगा सकते हैं। ओलावृष्टि की गन होती है, लेकिन वो भी सेमी सक्सेस ही है उसकी।
बाकी तो कटिंग होती है इसकी, सेब के लिए कटिंग हुई है देखो पीछे बगीचे में, और उससे साइज बनता है, फिर स्प्रे करनी पड़ती है, तौलिया बनाने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं देखभाल के लिए। बाकी स्प्रे सबसे ज़रूरी है, बार बार 3-4 स्प्रे होती है, उसके बाद साइज बनता है, कलर आता है। वहीं उन्होंने बताया कि लहसुन की पैदावार भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को लहसुन उगाने से फायदा हो रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी कमाने में आसानी होगी। लहसुन के बीज लगते हैं, उसके बाद लहसुन की जड़ें लगती हैं, निंदाई गुड़ाई होती है, 4-5 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस में, उसके बाद जब लहसुन, अभी थोड़ी गर्मी पड़ेगी, अब नेक्स्ट मंथ में निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर लहसुन चढ़ पड़ेगा सारा, सारे एरिए में लहसुन, लहसुन भी बहुत लोग कमा रहे हैं पैसा, कैश क्रॉप है लहसुन भी, बहुत बढ़िया है। के चैनल के लिए कुल्लू से लोकेश ठाकुर की रिपोर्ट। पंडोकी ग्राम पंचायत आनी स्वराज में 2 ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में कुछ मुद्दे पास किए गए, लेकिन मेन मुद्दे बीपीएल पास नहीं होने से वहां पर माहौल जो है वो गर्मा गया है। इस दौरान लोगों और प्रधान के बीच में कहासुनी भी हुई। पंडोकी ग्राम पंचायत तांदी सराज 2 में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कुछ मुद्दे पास किए गए, लेकिन मेन मुद्दा बीपीएल का पास नहीं हो सका, जिससे वहां माहौल गर्मा गया। और ग्राम सभा के दौरान लोगों और प्रधान के बीच कहासुनी भी हुई। लोगों का मानना है कि बीपीएल में जरूरतमंदों को नहीं रखा जा रहा, जिससे लोगों में भारी रोष पनपा हुआ है। वहीं प्रधान देवेंद्री देवी ने कैमरे के सामने आने पर मना कर दिया। वहीं सेक्रेटरी नरोत्तम सिंह ने बताया कि ग्राम सभा में बीपीएल एजेंडे को लेकर चर्चा की जानी थी, लेकिन लोगों की सहमति न होने के कारण ग्राम सभा को खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दों को पास कर दिया गया है, जिसमें सफाई अभियान और राफ्टिंग के साथ अन्य मुद्दों को पास किया जा चुका है। आज की ग्राम सभा जो थी बीपीएल के लिए एजेंडा था, तो लोगों के सामने जो बीपीएल का एजेंडा रखा गया, लेकिन लोग सहमत नहीं हुए। उन्होंने सर्वे को भी निकाल दिया और नए जो डालने थे उसमें लोगों ने जो है ग्राम सभा में इनकार कर दिया, कोई डिसाइड नहीं होगा। हमारे 5 बंदे इसमें काटे भी गए थे, लेकिन हमने ग्राम सभा से कहा था कि इसके बदले में डालना है, ग्राम सभा ने उसके लिए भी इनकार कर दिया है। इस अवसर पर उप प्रधान पूरन चंद और स्कूल के अध्यापक नेकराम व अन्य वार्ड मेंबर भी उपस्थित रहे। के चैनल के लिए लोकेश ठाकुर की रिपोर्ट। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक मंडी में शुरू हुई, और इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के बाकी नेताओं ने भी शिरकत की। हिमाचल प्रदेश भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यसमिति की बैठक का आयोजन मंडी में किया जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश भर के भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में भाग लेने से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के लिए संगठन से आग्रह किया गया था, और उसी के फलस्वरूप प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में सरकार और संगठन एक साथ मिलकर कार्य करेगी और प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। सरकार बनी है प्रदेश में, मंडी जिला से मुख्यमंत्री है। हमने प्रदेश के संगठन के सामने आग्रह किया कि सरकार बनने के बाद पहली कार्यसमिति मंडी में की जाए हमारे शहर में, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी छोटी काशी में पार्टी का पूरा संपूर्ण नेतृत्व प्रदेश का यहाँ आ रहा है। कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं तैयारी की दृष्टि से नहीं आ पाया, लेकिन उसके बावजूद अब आपके बीच में हूँ, 2 दिन आपके बीच में रहूँगा, और आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन बहुत बेहतर ढंग से काम करे, और विधानसभा के चुनाव में मंडी का बहुत बड़ा योगदान है, लोकसभा के चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर जीते, इसके लिए योजना। बैठक को लेकर मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इस बैठक में प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता व मोर्चों के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं।
और प्रदेश कार्य समिति की यह बैठक 11 अप्रैल तक जारी रहेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक छोटी काशी मंडी में का शुभारम्भ हुआ है और आज ये बैठक 3 दिन चलेगी। आज प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्च प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और सभी प्रमुख प्रदेश का नेतृत्व इस बैठक में रहने वाला है और कल प्रदेश कार्य समिति है। कल 2 दिन पूरे प्रदेश के जो हमारे कार्य समिति के सामान्य सदस्य हैं 325 के लगभग, वो सारे सदस्य यहाँ पहुँचेंगे और ये बैठक हमारी आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट के चैनल। विश्वविख्यात रोदांग दर्रा जो कि 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, आज बीआरओ की ओर से आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है। आज बीआरओ ने अतिरिक्त महानिदेशक मोहन लाल ने रोदांग दर्रा पर जाकर पूजा अर्चना करने के बाद आधिकारिक तौर पर दर्रे को बहाली कर दिया है। बता दें कि सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होने के कारण रोहतांग दर्रा बंद हो गया था, जिससे विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे में सर्दियों के मौसम में हुई भारी बर्फबारी से जिला लाहौल स्पीति का पूरे प्रदेश और देश से संपर्क कट गया था। वहीं अब एक बार फिर बीआरओ ने रोहतांग दर्रा को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया है, जिससे जिला लाहौल स्पीति अब जिला कुल्लू और बाकी देश और प्रदेश से जुड़ गया है। इस बार बर्फबारी कम होने के चलते बीआरओ ने आधिकारिक तौर पर बर्फ हटाने का कार्य ब्यास नाला से शुरू कर दिया था और 5 अप्रैल को रोहतांग को बहाल कर दिया गया था और वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है, किंतु रोहतांग दर्रे को बीआरओ की तरफ से आज आधिकारिक तौर पर बहाल किया गया। बीआरओ के अतिरिक्त महानिदेशक मोहन लाल ने कहा कि 5 अप्रैल को दर्रे को लाहौल स्पीति के वाहनों के लिए खोल दिया गया था और आज इसे आधिकारिक तौर पर खोल दिया गया है और अब इस मार्ग पर बड़े वाहनों को भी भेजा जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 5 और 8 मई के बीच जो है पूरी ट्रैफिक के लिए खोलने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से अगले 10 दिन में ये रोड थ्रू हो जाएगा। अभी थोड़ी स्नो क्लियरेंस के हमने करनी है क्योंकि रोड चौड़ा नहीं है और कुछ स्लाइड आए हुए हैं, उनको भी रिमूव करना है। तो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हम नॉर्मल ट्रैफिक इसके ऊपर लाहौल एंड स्पीति के लिए रिस्टोर कर लेंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। सुंदरनगर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को सुंदरनगर कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक की गई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि SC ST कानून में बदलाव के कारण हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों पर जो भी लाठीचार्ज किया गया है उसका पार्टी द्वारा विरोध किया जाएगा। जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर ने बताया कि सुंदरनगर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को सुंदरनगर कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक कर निर्णय लिया गया कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC ST कानून में बदलाव के कारण जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसमें कई लोगों के ऊपर अत्याचार व लाठियां बरसाई गई। इसका पूरे भारत में व सुंदरनगर जिला में कांग्रेस कमेटी के द्वारा शांति और सद्भावना से विरोध किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक एवं CPR सोहनलाल ठाकुर ने भी शिरकत की और प्रदर्शन का हिस्सा बने। इस दौरान सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि जातीय हिंसा को बंद किया जाए, इसलिए वे सभी एक मंच पर आकर एकत्रित हुए हैं। सब कार्यकर्ता लोग सद्भावना दिवस मना रहे हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी जान गंवाई है। पूरे देश में जो जातीय समीकरणों को लेकर हिंसा भड़की और प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार इस हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। इस मौके पर जिला प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान, नाचन कांग्रेस के प्रेमलाल गुड्डू व सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ।